चलिए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हेलोएल्किन हेलोएरिन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अभ्यास के 10.9 और 10.16 क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन बेस्ड है SN2 अभिक्रिया की दर पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक जुगलों में से कौन सा OH के साथ SN2 अभिक्रिया से अधिक तीव्रता से अधिक करेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो दो पेयर दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है ये दोनों में से SN2 अभिक्रिया किस में अधिक होगा। तो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला हमको क्या दिया है, CH3Br। तो इसको स्ट्रक्चर आप खोल लेंगे तो कुछ इस प्रकार का है, ये जो बॉन्ड लगाया हूँ ये H है, बॉन्ड लगाए चाहे ना भी लगाए वो सेम अंडरस्टैंड है। ठीक, CH3I, ये दोनों में से हमको बताना है। तो देखिए अभी तक हम लोग SN1 SN2 अभिक्रिया की दर जान चुके हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ SN1 और SN2 के लिए, फिलहाल हमको SN2 का चाहिए तो मैं SN2 का अभिक्रिया का दर लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री में सबसे अधिक होता है, इसके बाद 2 डिग्री में, इसके बाद 3 डिग्री में, SN1 जस्ट इसका उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे पहला काम क्या रहेगा, दो कंपाउंड में से हम ढूंढेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन है। तो देखिए ये वाला कंपाउंड कितने डिग्री है, ये वाली कंपाउंड 0 डिग्री है, क्योंकि जो कार्बन लगे हैं Br के साथ वो तो कोई भी कार्बन के साथ नहीं लगे हैं। ये भी क्या है, 0 डिग्री। अब डिग्री से तो पता नहीं कर पा रहा हूं, जब डिग्री इक्वल हो जाए या फिर 1 डिग्री होते, सपोज ये दोनों कंपाउंड 1 डिग्री होते, तो डिग्री जब बराबर हो जाता है तब SN2 के लिए ध्यान देने वाली बात क्या है, लिविंग ग्रुप को देखना है। लिविंग ग्रुप मतलब कौन निकल रहा है वहां में से, इसमें से कौन निकलेगा बताओ तो Br निकलेगा, और इसमें से कौन निकलेगा, आई निकलेगा। ठीक, अब फर्स्ट निकलेगा कौन, तो बताओ ब्रोमीन और आयोडीन ये लोग ऋणायन होते हैं कि धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। और ऋणायन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा कौन, ये वाली बात है ना, निकलना मतलब लिविंग ग्रुप मतलब उसको बाहर जाना है यहाँ में से। तो यहाँ में से बाहर जाएगा जो ज़्यादा ऋणायन है वो नहीं निकलेंगे जल्दी में से, ज्यादा ऋणायन जो है वो जल्दी नहीं निकलेगा, कम ऋणायन वाले निकलेंगे। या फिर ऐसे समझो ये निकलने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड को ब्रेक होना, ये बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, आई वाला बॉन्ड लेना। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है सबसे अधिक दिखाएगा, इसको मैंने ए नाम दे दें और इसको मैं बी नाम दे दूं तो सबसे अधिक किस में होगा, बी में, उसके बाद ए में, समझे, लिविंग ग्रुप को देखना होता है। ठीक, इसके बाद इस पे आते हैं, ये वाला कंपाउंड पे, चलो हमारा दर्द तो पता है हमको, क्वेश्चन करते करते हम लोग कर देंगे। देखो CH3 होल 3 CCl और क्या दिया है, CH3Cl, ये दोनों में से SN2 अभिक्रिया दर पूछा। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोल लीजिए, ब्रैकेट वाला जो है उसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, ये कार्बन लिख करके 4 बॉन्ड बना लो। ये 4 बॉन्ड में CH3 कितने लगे हैं, 3, यहाँ एक CH3 यहाँ और यहाँ लगा दिए, वह और एक कौन बचे हैं, Cl, बस इसकी स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना है, C लिख करके 4 बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे Cl डाल दो, ये जो बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन ही है। ठीक, हाइड्रोजन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री। Cl जिस कार्बन में लगे वो कितने कार्बन के साथ है, 1 2 3 3 डिग्री। अभी अभी हमने क्या बताया, SN2 अभिक्रिया 3 डिग्री में सबसे कम होता है, तो इसको मैं ये नाम दे दूं और इसको मैं बी नाम दे दूं तो सबसे अधिक किस में हुआ, ए में, उसके बाद बी में, 3 डिग्री 0 डिग्री था। दूसरा और एक चीज भी है SN2 के लिए, एक स्टेरिक हेंड्रेंस,
मतलब अवरोध, अवरोध देखना होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है जो निकलने वाले हैं, इसमें भी सीएल, इसमें भी सीएल आकर के जो ओएच, ओएच जो था मेरा ओएच माइनस जो है वो आकर के अटैक ना करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे अटैक ना करेगा, इसमें भी ओएच माइनस आकर के इस कार्बन के ऊपर अटैक ना करने वाले हैं, तभी तो ये निकलेगा। तो अटैक करने के लिए उसको रास्ता होना चाहिए ना। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, देखो CH3, यहाँ भी CH3 लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है, छोटा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ना है, ये छोटा छोटा हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको रास्ता मिल जा रहा है अटैक करने की, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े अवरोध के वजह से इसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से तब किस में दिख रहा है हमको, इसी में निरासन हो जा रहा है, नहीं समझे? ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए हैं, इसमें ट्रेंड क्या होगा, बी में सबसे अधिक, उसके बाद ए में ना, नहीं समझा क्या? क्योंकि ये मेरा जीरो डिग्री है ना, ए कर देंगे तो गलत हो जाएगा, और खुद ही दिख रहा है ना स्टेरिक हिंड्रेंस कितने बड़े बड़े हैं। क्लियर हुआ? ये जब क्लियर हो गया, अब इस पे आते हैं 10.16 पे।